नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा रेडियस ऑफ एटम एंड एज ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर एटम्स कॉर्नर पर अरेंज्ड होंगे, साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम अरेंज होता है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन जाता है। इस समय आप देखेंगे हमने एक फेस ये देखा और एक फेस ये। फेस क्या है इसको देख लेते हैं। ये फेस है, एक फेस ये है, एक फेस ये, एक फेस ये, ऐसे ये रखा हुआ है। टोटल सिक्स फेसेस होती, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फेसेस होती हैं। इस समय हम ये देखेंगे कि इस फेस के सेंटर पर एक एटम रखा रहेगा, यहाँ भी रखा रहेगा, यहाँ भी रखे रहे, कॉर्नर पर तो रखेंगे, लेकिन सेंटर पर भी, फेस के सेंटर पर भी एक एक एटम अरेंज रहता है, उसे आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए एक फेस में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि इस वाले फेस में भी एक एटम रहेगा, इस फेस में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा और फ्रंट में भी रहेगा, सभी फेसेस पर रहते हैं। आप यहाँ ये देखेंगे हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस और एज, एज ये हो गई, इसको आप ये एज कहते हैं, एज में रिलेशन पढ़ना है। लेकिन साथ में भी ये भी पढ़ना होता है एटम की रेडियस और नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस पढ़नी है। तो इस एटम और इस एटम के बीच की डिस्टेंस पढ़नी है। यहाँ पर यह एटम और यह एटम नियरेस्ट नहीं है। इस समय जब बात आती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो फेस वाले एटम और कॉर्नर के एटम की बीच की डिस्टेंस देखी जाती है। और वास्तविक रूप से देखें इन एटम्स के बीच में इतना गैप नहीं होता। कैसे रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, ये एटम, यह एटम और ये एटम रखा हुआ है। तो इस एटम और इस एटम के बीच की डिस्टेंस इसको मानी जाएगी और ये कहलाती है डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स। तो नाइबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस, देखिए ये एटम और ये एटम नाइबरिंग नहीं है, नाइबरिंग एटम ये है जो बहुत एक दूसरे के क्लोज्ड है। तो इस एटम और यहां से बीच की डिस्टेंस ये हो गई। अब यदि हम इस डिस्टेंस को पता करना चाहते हैं, मान लेते हैं हमने इस डिस्टेंस पता कर लिया और डिस्टेंस का यदि हाफ कर देते हैं तो इस एटम की हमें रेडियस मिल जाएगी। तो ये कैसे करें, हम सबसे पहले रखते हैं रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, फेस वाला एटम और कॉर्नर के एटम की बीच की डिस्टेंस। तो उसको हमने लिख दिया डी डिवाइडेड बाई टू। इस डिस्टेंस का यदि हाफ कर देते हैं, डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं तो हमें रेडियस मिल गया। लेकिन डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस तब मिलेगी जब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ मालूम हो, मीन्स एसी की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इस डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ये कैसे, एसी का हाफ कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। एसी और हाफ कर दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ कर दिया रेडियस। अब ये कैसे मालूम होगा, तो हम देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे ए, एज, ये एज लेंथ है और ये भी क्या है, एज लेंथ है। क्यों, क्योंकि क्यूब में ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये भी एज लेंथ और ये भी एज लेंथ। यहाँ पर ये आपने देखा कि ये 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 1 ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल जब है राइट एंगल बना, और राइट एंगल में से आप ये देखेंगे कि ए सी की वैल्यू पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू पता करना है तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, ए बी की वैल्यू ए है, स्क्वायर यूज किया, और बी सी की वैल्यू भी ए है तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बन गया 2a स्क्वायर, जिसमें से ए सी इक्वल हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर। लास्ट में हम देखेंगे ये आएगा रूट 2a, ए सी की वैल्यू हमें मिल गई रूट 2
ए, अब हम देखते हैं रेडियस इक्वल डी बाई टू और डिस्टेंस क्या है ए सी बाई टू, डी की वैल्यू है ए सी और ए सी का हाफ कर दें तो हमें डी मिल जाएगा, तो ए सी डिवाइडेड बाई टू और ये टू पहले से रखा हुआ है, हमने यहाँ जो वैल्यू रखी है इतनी ये डी की वैल्यू रखी है डी बाई टू। अब ए सी की वैल्यू यदि हम यहाँ रख देते हैं तो आर इक्वल ए सी बाई फोर इक्वल ए सी की वैल्यू है रूट टू ए बाई फोर हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं यहाँ आर इक्वल रूट टू ए बाई फोर और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है आर इक्वल रूट टू फोर रूट टू ए, रूट टू और रूट टू से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी टू और टू से और ये बन गया रूट टू, इसमें से टू से इसको डिवाइड करेंगे तो ए बाई टू रूट टू यानी आर इक्वल होता है रूट टू ए बाई फोर अथवा आर इक्वल ए बाई टू रूट।